नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं लेकर आती हूँ वेज रेसिपीज जो कि बहुत हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ और टेस्टी भी बनते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने यहाँ पे लिया है चाइना ग्रास रास्पबेरी पाउडर 2 चम्मच और उसमें मैं लगभग आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और आप किसी भी फ्लेवर का पाउडर ले सकते हैं। ये चाइना ग्रास रास्पबेरी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर वाला पाउडर है और ये कॉर्नफ्लोर है 1 चम्मच, जिसे मैं थोड़ा सा पानी में अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। दोस्तों, ये जो डेज़र्ट है ये इटालियन डेज़र्ट है, बहुत ही टेस्टी लगता है। पैनाकोटा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंडियन नहीं है और ये समर स्पेशल डेज़र्ट है, क्योंकि हम इसे फ्रिज में रखने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही कलरफुल और सुंदर सा बनता है। आप किसी को भी प्रेजेंट कीजिए, जैसे किसी पार्टी में बना सकते हैं या फिर किसी गेस्ट के लिए बना सकते हैं या स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया है और उसे पैन में बैठा दिया है गर्म होने के लिए। और इसमें मैं लगभग 2.5 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी ज़्यादा या कम कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें जो रास्पबेरी का पाउडर है मिक्स किया हुआ, वो हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे लगभग 2 मिनट तक हम बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। वाह, ये बहुत खूबसूरत बनने वाला है, देखिए कितना अच्छा सा कलर है। तो ये बॉईल है, 2-3 मिनट तक मैं इसे बॉईल करूँगी मीडियम फ्लेम पर और इसे चक्कर। देखिए, इसमें 2 ग्लास ले लिए हैं जिसे मैं थोड़ा स्लैंट करके रखी हूँ 2 कटोरियों की मदद से। आप चाहे तो सीधे भी रख सकते हैं, सीधे रखने से आपका जो ये मिक्स है वो हाफ हाफ ग्लास में सेट हो जाएगा। मैं थोड़ा स्लैंट वाला लुक देना चाह रही थी तो इसलिए से स्लैंट करके रखी हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे हमें इस मिक्सचर को ऐसे डालना है और सेट होने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए छोड़े या बाहर ठंडा हो जाएगा, तब तक ये थोड़ा सेट हो जाता है। फिर फ्रिज में रख दीजिए लगभग 20-25 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ और 1 कप दूध ली हूँ जिसमें मैं फिर से 2 चम्मच चीनी डाली हूँ और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और अब इसमें जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है वो ऐड करूँगी तो थोड़ा ये थिक हो जाएगा और क्रीमी भी हो जाएगा। और लगभग मैं 2-3 मिनट तक के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर बंद कर दूँगी। तो हो बॉयल, 2-3 मिनट तक मैंने इसे बॉयल और ये तैयार हो गया। इसे ये बाद ये स्ट्रॉबेरी सेट हो गया है थोड़ा, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का शर है वो डाल रही हूँ और 1 चम्मच के हेल्प से डालूँ ताकि डायरेक्ट जाएगा तो हो सकता है कि वो पिंक वाला जो सेट है वो ख़राब हो जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे डालना है और फिर इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब जेलो वाला मिक्स बनाने के लिए मैंने लिया लगभग 1/2 चम्मच और फ्लेवर मिक्स है 1 चम्मच और दोनों को ही मैं थोड़े से पानी में मिक्स कर दे रही हूँ। आप जितना फ्लेवर मिक्स ले उसका 1/2 जेली पाउडर ले। आप जितना कम लेंगे उतना ही थिन होगा वो जेली का जो मिक्सचर बनेगा, और थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो ठीक बनेगा। आपको जैसा पसंद है वैसा ले लीजिए। अब यहाँ 1 कप पानी मैंने लिया है फिर से और उसमें ये जेली का मिक्स डाल दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा चला लेते हैं और लगभग 30 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं और फिर इसे गैस से उतार देंगे। तो ये मिक्स हो गया है और अब इसे ये जो सेट वाला ग्लास है इसमें मैं डाल दूंगी उसी तरह से 1 चम्मच से धीरे धीरे करके डालना है। इस तरह से डाल देंगे और देखिए अभी तो ये पूरा गर्म है, जब ये ठंडा हो जाता है जल्दी तो फिर इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो दोनों ही ग्लास को हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। आप ज़्यादा रखेंगे तो और भी अच्छे से सेट होगा। वैसे 1 घंटे के बाद इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ा सा जेली मिक्स बच गया तो मैं 1 कटोरी में डाल देती हूँ,
क्योंकि आप इसे जिस बर्तन में रखिएगा ये उसी शेप का हो जाएगा। तो ये कटोरी में मैंने डाल दिया है, तो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ये भी एक जेली चॉकलेट की तरह बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रिज से मैं 1 घंटे के बाद निकाल चुकी हूँ, ये सेट हो गया है, दोनों ही ग्लास सेट हो गए हैं। कैसी लगी आपको यह रेसिपी? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो के साथ आती रहूँगी, आपसे मिलती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।